सब पर मानो बुआ जी का व्यक्तित्व हावी है। सारा काम वहां इतनी व्यवस्था से होता है जैसे सब मशीनें हों, जो कायदे में बंधी बिना रुकावट अपना काम किए चली जा रही हैं। ठीक 5 बजे सब लोग उठ जाते, फिर 1 घंटा बाहर मैदान में टहलना होता, उसके बाद चाय दूध होता, उसके बाद अन्नू को पढ़ने के लिए बैठना होता। भाई साहब भी तब अखबार और ऑफिस की फाइलें आदि देखा करते। 9 बजते ही नहाना शुरू होता, जो कपड़े बुआ जी निकालते वही पहनने होते। फिर कायदे से आकर मेज पर बैठ जाओ और खाकर काम पर जाओ। सयानी बुआ का नाम वास्तव में ही सयानी था, या उनके सयानेपन को देखकर लोग उन्हें सयानी कहने लगे थे, सो तो मैं आज भी नहीं जानती। पर इतना अवश्य कहूंगी कि जिसने भी उनका ये नाम रखा वह नामकरण विद्या का अवश्य पारख ही रहा होगा। बचपन में ही वे समय से जितनी पाबंद थी, अपना सामान संभाल कर रखने में जितनी पटु थी और व्यवस्था की जितनी कायल थी, उसे देखकर चकित हो जाना पड़ता था। कहते हैं जो पेंसिल वे एक बार खरीदती थीं, वह जब तक इतनी छोटी ना हो जाती कि उनकी पकड़ में भी ना आए, तब तक उससे काम लेती थीं। क्या मजाल है कि वह कभी खो जाए या बार बार नोक टूटकर समय से पहले ही समाप्त हो जाए। जो रबर उन्होंने 4थी कक्षा में खरीदी थी, उसे 9वीं कक्षा में आकर समाप्त किया। उम्र के साथ साथ उनकी आवश्यकता से अधिक चतुराई भी प्रौढ़ता धारण करती गई, और फिर बुआ जी के जीवन में इतनी अधिक घुल मिल गई कि उसे अलग करके बुआ जी की कल्पना ही नहीं की जा सकती थी। उनकी एक एक बात पिताजी हम लोगों के सामने उदाहरण के रूप में रखते थे, जिसे सुनकर हम सभी खैर मनाया करते थे कि भगवान करे वे ससुराल में ही रहा करें, वरना हम जैसे अस्त व्यस्त और अव्यवस्थित जनों का तो जीना ही हराम हो जाएगा। ऐसी ही सयानी बुआ के पास जाकर पढ़ने का प्रस्ताव जब मेरे सामने रखा गया, तो कल्पना कीजिए मुझ पर क्या बीती होगी। मैंने साफ इनकार कर दिया कि मुझे आगे पढ़ना ही नहीं, पर पिताजी मेरी पढ़ाई के विषय में इतने सतर्क थे कि उन्होंने समझा कर, डांट कर और प्यार दुलार से मुझे राजी कर लिया। सच में राजी तो क्या कर लिया, समझिए अपनी इच्छा पूरी करने के लिए बाध्य कर दिया। और भगवान का नाम गुहारते गुहारते मैंने घर से विदा ली और उनके यहाँ पहुंची। इसमें संदेह नहीं कि बुआ जी ने बड़ा स्वागत किया, पर बचपन से उनकी ख्याति सुनते सुनते उनका जो रौद्र रूप मन पर छाया हुआ था, उसमें उनका वह प्यार कहाँ तिरोहित हो गया, मैं जान ही ना पाई। हाँ, बुआ जी के पति, जिन्हें हम भाई साहब कहते थे, बहुत ही अच्छे स्वभाव के व्यक्ति थे, और सबसे अच्छा कोई घर में लगा तो उनकी 5 वर्ष की पुत्री अन्नू। घर के इस नीरस और यंत्र चलित कार्यक्रम में अपने को फिट करने में मुझे कितना कष्ट उठाना पड़ा और कितना अपने को काटना छाटना पड़ा, यह मेरा अंतर्यामी ही जानता है। सबसे अधिक तरस आता था अन्नू पर, वह इस नन्ही सी उम्र में भी प्रौढ़ हो गई थी। ना बच्चों का सा उल्लास, ना कोई चहचहाहट, एक अज्ञात भय से वह घिरी रहती थी। घर के उस वातावरण में कुछ ही दिनों में मेरी भी सारी हंसी खुशी मारी गई। यों बुआ जी की गृहस्थी जमे 15 वर्ष बीत चुके थे, पर उनके घर का सारा सामान देखकर लगता था मानो सब कुछ अभी कल ही खरीदा हो। गृहस्थी जमाते समय जो कांच और चीनी के बर्तन उन्होंने खरीदे थे, आज भी ज्यों के त्यों थे, जबकि रोज उनका उपयोग होता था। वे सारे बर्तन स्वयं खड़ी होकर साफ करवाती थीं। क्या मजाल कोई एक चीज भी तोड़ दे। एक बार नौकर ने सुराही तोड़ दी थी। उस छोटे से नौकर को उन्होंने इस कसूर पर बहुत पीटा था। तोड़ फोड़ से तो उन्हें सख्त नफरत थी, यह बात उनकी बर्दाश्त के बाहर थी। उन्हें बड़ा गर्व था अपने इस सुव्यवस्था का। वे अक्सर भाई साहब से कहा करती थी कि यदि वे इस घर में ना आती तो ना जाने बेचारे भाई साहब का क्या हाल होता। मैं मन ही मन कहा करती थी, और चाहे जो भी हाल होता, हम सब मिट्टी के पुतले ना होकर कम से कम इंसान तो अवश्य हुए होते।
बुआ जी की अत्यधिक सतर्कता और खाने पीने के इतने कंट्रोल के बावजूद अन्नु को बुखार आने लगा। सब प्रकार के उपचार करने कराने में पूरा महीना बीत गया, पर उसका बुखार न उतरा। बुआ जी की परेशानी का पार नहीं, अन्नु एकदम पीली पड़ गई। उसे देखकर मुझे लगता मानो उसके शरीर में ज्वर के कीटाणु नहीं, बुआ जी के भय के कीटाणु दौड़ रहे हैं, जो उसे ग्रसते जा रहे हैं। वह उनसे पीड़ित होकर भी भय के मारे कुछ कह तो नहीं सकती थी, बस सूखती जा रही थी। आखिर डॉक्टरों ने कई प्रकार की परीक्षाओं के बाद राय दी कि बच्चों को पहाड़ पर ले जाया जाए और जितना अधिक उसे प्रसन्न रखा जा सके रखा जाए, सब कुछ उसके मन के अनुसार हो, यही उसका सही इलाज है। पर संभव नहीं था, क्योंकि अनजाने ही उनकी इच्छा के सामने किसी और की इच्छा नहीं चल सकती थी। भाई साहब ने शायद सारी बात डॉक्टर के सामने रख दी। तभी डॉक्टर ने कहा कि माँ का साथ रहना ठीक नहीं होगा। बुआ जी ने सुना तो बहुत आनाकानी की, पर डॉक्टर की राय के विरुद्ध जाने का साहस वे कर नहीं सकी, तो मन मारकर वहीं रहीं। जोर शोर से अन्नू के पहाड़ जाने की तैयारी शुरू हुई। पहले दोनों के कपड़ों की लिस्ट बनी, फिर जूतों की, मोजों की, गर्म कपड़ों की, ओढ़ने बिछाने के सामान की, बर्तनों की, हर चीज रखते समय वे भाई साहब को सख्त हिदायत देती थीं कि एक भी चीज खोनी नहीं चाहिए। देखो यह फ्रॉक मत खो देना, 7 रुपए मैंने इसकी सिलाई दी है। ये प्याले मत तोड़ देना, वरना 50 रुपए का सेट बिगड़ जाएगा। और हाँ, गिलास को तुम तुच्छ समझते हो, उसकी परवाह ही नहीं करोगे। पर देखो ये 15 बरस से मेरे पास है और कहीं खरोच तक नहीं है, तोड़ दिया तो ठीक ना होगा। प्रत्येक वस्तु की हिदायत के बाद वे अन्नू पर आईं। वह किस दिन किस समय क्या खाएगी उसका मीनू बना दिया, कब कितना घूमेगी, क्या पहनेगी, सब कुछ निश्चित कर दिया। मैं सोच रही थी कि यहाँ बैठे बैठे ही बुआ जी ने इन्हें ऐसा बांध दिया कि बेचारे अपनी इच्छा के अनुसार क्या खाक करेंगे। सब कह चुकी तो जरा आर्द्र स्वर में बोली, कुछ अपना भी ख्याल रखना, दूध फल बराबर खाते रहना। हिदायतों की इतनी लंबी सूची के बाद भी उन्हें यही कहना पड़ा, जाने तुम लोग मेरे बिना कैसे रहोगे, मेरा तो मन ही नहीं मानता। हाँ, बिना भूले रोज एक चिट्ठी डाल देना। आखिर वह क्षण भी आ पहुंचा जब भाई साहब एक नौकर और अन्नू को लेकर चले गए। बुआ जी ने अन्नू को खूब प्यार किया, रोई भी। उनका रोना मेरे लिए नई बात थी। उसी दिन पहली बार लगा कि उनकी भयंकर कठोरता में कहीं कोमलता भी छिपी है। जब तक तांगा दिखाई देता रहा वे उसे देखती रहीं। उसके बाद कुछ क्षण निर्जीव सी होकर पड़ी रहीं, पर दूसरे ही दिन से वह फिर वैसे ही चलने लगा। भाई साहब का पत्र रोज आता था, जिसमें अन्नू की तबीयत के समाचार रहते थे। बुआ जी भी रोज एक पत्र लिखती थीं, जिसमें अपनी उन मौखिक हिदायतों को लिखित रूप से दोहरा दिया करती थीं। पत्रों की तारीख में अंतर रहता था, बात शायद सब में वही रहती थी। मेरे तो मन में आता कि कह दूं, बुआ जी रोज पत्र लिखने का कष्ट क्यों करती हैं? भाई साहब को लिख दीजिए कि एक पत्र गत्ते पर चिपका कर पलंग के सामने लटका दें और रोज सवेरे उठकर पढ़ लिया करें। पर इतना साहस था नहीं कि ये बात कह सकूं। करीब 1 महीने के बाद एक दिन भाई साहब का पत्र नहीं आया, दूसरे दिन भी नहीं आया। बुआ जी बड़ी चिंतित हो उठी। उस दिन उनका मन किसी भी काम में नहीं लगा, घर की कसी कसाई व्यवस्था कुछ शिथिल मालूम होने लगी। तीसरा दिन भी निकल गया, अब तो बुआ जी की चिंता का पार हुआ। निरीत वे पिघल पड़ा और अपने पूरे वेग के साथ बह रहा था। वे बार बार कहती कि उन्होंने स्वप्न में देखा कि भाई साहब अकेले चले आ रहे हैं, अन्नू साथ नहीं है और उनकी आंखें भी लाल हैं, और वे फूट फूट कर रो पड़ती। मैं तरह तरह से उन्हें आश्वासन देती, पर बस वे तो कुछ सुन ही नहीं रही थी। मेरा मन भी कुछ अन्नू के ख्याल से कुछ बुआ जी की यह दशा देखकर बड़ा दुखी हो रहा था,
तभी नौकर ने भाई साहब का पत्र ला कर दिया। बड़ी व्यग्रता से कांपते हाथों से उन्होंने खोला और पढ़ने लगी। मैं भी सांस रोककर बुआ जी के मुंह की ओर देख रही थी कि एकाएक पत्र फेंक कर सिर पीटती बुआ जी चीख कर रो पड़ी। मैं धक रह गई। आगे कुछ सोचने का साहस नहीं होता था। आंखों के आगे अन्नू की भोली सी नन्ही सी तस्वीर घूम गई। तो क्या अब अन्नू सचमुच ही संसार में नहीं है? ये सब कैसे हो गया? मैंने साहस करके भाई साहब का पत्र उठाया। लिखा था, प्रिय सयानी, समझ में नहीं आता किस प्रकार तुम्हें यह पत्र लिखूं, किस मुंह से तुम्हें यह दुखद समाचार सुनाऊं। फिर भी रानी, तुम इस चोट को धैर्यपूर्वक सह लेना। जीवन में दुख की घड़ियां भी आती हैं और उन्हें साहसपूर्वक सहने में ही जीवन की महानता है। ये संसार नश्वर है, जो बना है वह एक न एक दिन मिटेगा ही। शायद इस तथ्य को सामने रखकर हमारे यहाँ कहा है कि संसार की माया से मोह रखना दुख का मूल है। तुम्हारी इतनी हिदायतों के और अपनी सारी सतर्कता के बावजूद मैं उसे नहीं बचा सका। इसे अपने दुर्भाग्य के अतिरिक्त और क्या कहूँ। यह सब कुछ मेरे ही हाथों होना था। आंसू भरी आंखों के कारण शब्दों का रूप अस्पष्ट से अस्पष्टतर होता जा रहा था और मेरे हाथ कांप रहे थे। अपने जीवन में यह पहला अवसर था जब मैं इस प्रकार किसी की मृत्यु का समाचार पढ़ रही थी। मेरी आंखें शब्दों को पार करती हुई जल्दी जल्दी पत्र के अंतिम हिस्से पर जा पड़ी। धैर्य रखना मेरी रानी, जो कुछ हुआ उसे सहने की और भूलने की कोशिश करना। कल 4 बजे तुम्हारे 50 रुपए वाले सेट के दोनों प्याले मेरे हाथ से गिरकर टूट गए। अन्नू अच्छी है, शीघ्र ही हम लोग रवाना होने वाले हैं। 1 मिनट तक मैं हतबुद्धि सी खड़ी रही। समझ ही नहीं पाई यह क्या से क्या हो गया। यह दूसरा सदमा था। जो ही कुछ समझी मैं जोर से हंस पड़ी। किस प्रकार मैंने बुआ जी को सत्य से अवगत कराया वह सब मैं कोशिश करके भी नहीं लिख सकूंगी। पर वास्तविकता जानकर बुआ जी भी रोते रोते हंस पड़ी। 5 आने की सुराही तोड़ देने पर नौकर को बुरी तरह पीटने वाली बुआ जी 50 रुपए वाले सेट के प्याले टूट जाने पर भी हंस रही थी। दिल खोलकर हंस रही थी, मानो उन्हें स्वर्ग की निधि मिल गई हो।